बात करते हैं। गृहस्थ संत पंडित जी देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी रविवार को ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने कटनी स्थित दद्दा आश्रम के रात 8:27 देह त्यागा है। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उन्हें 8 मई को माइनर पैरालिसिस अटैक आने पर दिल्ली ले जाया गया था। शनिवार की शाम गंगाराम अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से जबलपुर होते हुए कटनी लाया गया। दद्दा जी के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। दद्दा जी के देव लोकेन की खबर लगते ही उनके शिष्यों में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के लिए दद्दा जी के अनुयायियों का कटनी पहुंचने का सिलसिला जारी है। दद्दा जी का अंतिम संस्कार आज दोपहर में होने की संभावना है। कटनी के दद्दा धाम कॉलोनी में यह अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में राजनेता, गणमान्य लोग और दद्दा जी के अनुयायी शामिल होंगे। परम श्रद्धे संत दद्दा जी का देवलोक गमन हो गया। उनका भौतिक शरीर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से एक गुरु के रूप में वो कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में ही है। जिस दिन गुरु मां का निधन हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। उनकी इच्छा से ही उन्होंने भौतिक शरीर छोड़ा है, लेकिन वे सदैव हम पर आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। जब भी अंधकार होगा, अंधेरा होगा, तो प्रकाश पुंज बन के हमें राह दिखाएंगे। जब भी सहारे की जरूरत होगी, वो सबका सहारा बनेंगे। सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश और भक्ति का विश्वास पैदा करते हुए वो हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। अध्यात्म एवं सनातन धर्म के प्रति समर्पित करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले परम श्रद्धे दद्दा जी के चरणों में मेरी एवं कांग्रेस परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि।